दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचएआई की मनमानी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। दरअसल आपको बता दें, मामला शामली कलेक्ट्रेट का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार की विकास योजनाओं में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। कहीं सरकार 70 लाख का मुआवजा दे रही है तो कहीं किसान को 10 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। उसने कहा कि सरकार अपने पुराने वायदों पर भी खरा नहीं उतर रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांव का पैसा गांव के विकास के सौंदर्यकरण के लिए ही लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की परीक्षा ले रही है तथा गांधीवादी तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन को हिंसा के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान को खेतों में और भी बहुत काम है, लेकिन सरकार ने किसानों को बेवजह की समस्याओं में उलझा कर आंदोलन के लिए बाध्य कर रखा है। और क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। नहीं, मामला तो मुआवजे पे है, कई मुआवजा 70 लाख के करीब है बीघे का, कई 10-12 लाख पे सीमेंट रहा, तो सड़क तो एक ही काम करेगी, गाड़ी भी उसी सड़क पर को, जहाँ 70 लाख रुपए का मुआवजा गाड़ी तो वंकू भी चलेगी, ये 12 लाख वाली मुआवजा दे रहे हैं उनको भी चलेगी, तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसान पे जमीन ही तो है, हमारी पुरखों की जमीन है दी हुई, और इसके साथ में ऐसी छेड़छाड़ करी जाए। एक प्रधानमंत्री जी का वो है कि भाई 4 गुना रेट मिलेगा, सल के रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा, तो उसमें भी ये भेदभाव कर रहे। एक जो सरकारी नाली है चक्रोड है, उसका भी एक वो है प्रावधान, भाई जिस गांव की जिस सीम में वो जो बचत की ज़मीन है उस गांव में ही लगे, उसका जो वो पैसा है उस गांव के सौंदर्यकरण में या कुछ पार्क बने या कुछ भी बने वो प्रधान के अंडर में होकर, तो इस तरह की कहीं भी वो नहीं है। किसान अपनी कीमती ज़मीन दे रहा, चलो विकास में तो किसान बाधा नहीं बन रहा, पर उसका जो मुआवजा है वो तो मिलना चाह, ट्वेल्लू का है, ट्वेल्लू का 25-30 हज़ार रुपये, 2.5 लाख रुपये में ट्वेल तैयार हो, तो इस तरह का भेदभाव न करे कि, और किसानों को तरह तरह के उस तक बदनाम करा जा रहा। ये मुआवजे की मांग जो है लगातार उठ रही है, पहले भी कई बार यहाँ पर धरना हो चुका है, अगर ये प्रशासन आपकी मांग को पूरा नहीं करता तो फिर क्या रहेगा? भाई एक तो बताओ, एक गांधीवादी तरीके से ही तो धरना प्रदर्शन हो, वही पहले से ही होता आया, हमारे बस का सरकार के साथ में तो वो है नहीं कि भाई हम हिंसा पर उतारू होकर वहाँ से तोड़ फोड़ करें या मार धाड़ करें या कुछ करें, तो सरकार तो नहीं दिखाना सोच रही कि भाई ये इस तरह से ऐसे ऐसा रास्ता अपना ले और ये दूसरी राह पर किसान चले जाए, न जबरदस्ती एकता ना साई रवैया तो इनके साथ में इस तरह की पेश आ रही है, तो ऐसा ना करो, एक अच्छा प्रशासन अपना अच्छा रोल दिखावे, बात करे किसानों के साथ में, वही बात अच्छी लगे। हर टाइम हम धरना और प्रदर्शन पेमिट में मुआवजे पे बिजली के मीटर पे बिजली के बिल पे, आखिर को ऐसा किसानों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? अच्छा, जिला प्रशासन के दो पास मीटिंग हुई थी समिति की जी, आश्वासन भी दिया गया था? नहीं तो आश्वासन पे वे खड़े उतरे भाई, जो कमेटी की तय हुई बातचीत जो मीटिंग हुई थी तो उसमें वे खड़े उतरे, इसमें अगर कमेटी वाले किसान के दो पास मीटिंग हुई थी समिति की जी, आश्वासन भी दिया गया था? नहीं तो आश्वासन पे वे खड़े उतरे भाई, जो कमेटी की तय हुई बातचीत जो मीटिंग हुई थी तो उसमें वे खड़े उतरे, इसमें अगर कमेटी वाले किसान ये पीछे हटे तो इन्हें कहा जाएगा, अगर प्रशासन पीछे हटे तो उन्हें कौन कह सके? बाबा जी, नूपुर शर्मा तो भाजपा नेत्री थी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसमें माहौल बिगड़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भाई एक तो बताओ, उन्हें कुछ कह दिया होगा, उन्हें माफी मांग ली बिना मतलब का इतना बबंडर उतर गया, खम खाका क्या हुआ है इन्हें? हम खैर ज्यादा नहीं, हमारी बात को और तरोड़ मरोड़ का ना पेश करा जा, कहीं मोटी कुछ बात हो जाए जी भी, आदमी भाई गलती मान ले
फिर या तोड़ फोड़ की रास्ता रोकने की जुम्मे वाला दिन तो पाक दिन है, अच्छा दिन है, उसमें भी सड़कों पर उतरे तो वो अच्छा नहीं लगता। इब जो हजारों आदम वो मुकदमे हो गए, मार पिटाई होगी, कुछ जेल में जा लिए, किसी के मकान तोड़ दिए, तो वही ये भी थोड़ा सा सोचे भाई। तो क्या जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है इनके घर परिवार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या आप सही मानते हैं से या गलत? नहीं, गलत मानने। ये आदमी पूरी जिंदगी की कमाई मकान में लगा दे, इस तरह के तोड़ फोड़ हम नहीं इसके उसमें, इस तरह तो आदमी मकान ही नहीं बनाने के, कुछ भी नहीं, आदमी छपरू में रहेंगे, कुछ भी हो सके। तो ये गलत है कि बुलडोजर? नहीं, बुलडोजर तो गलत है, हम नहीं बुलडोजर की, हमने तो कभी भी गलत बात की हामी नहीं भरी।